ये जो मूड है इससे साफ है कि आपने दमदार सरकार बनाई तो भारत का दम पूरी दुनिया में दिख रहा है। और तभी पश्चिम बंगाल का हर मतदाता कह रहा है, आभार एक बार। भाइयों और बहनों, सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ ना हो, बच्चे दुखी ना हो, बच्चों मुसीबत में न पड़े। इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है। और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ करके जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में दे करके जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है। अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं। और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं? अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए। मुझे वारिस को कुछ देना चाहिए ना। और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है। मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। आज
हर गर्भवती महिला को 6000 रुपये की मदद मिलती है ताकि उसके पोषण में कमी ना रहे और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुर्बल न हो। मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। साथियों, अब मोदी एक बहुत बड़ी गारंटी लेकर आया है। मोदी देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना चाहता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को हम नई नई ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का काम भी शुरू किया है। इससे खेती में आप जैसी बहनें ड्रोन क्रांति की लीडर बन रही है। साथियों, बहनों की एक बड़ी चिंता बिजली के बिल के लेकर होती है। यहां दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन मां की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मां की भी पूजा करते हैं, काली मां की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये दो सज्जन जो बना के लाए हैं, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। तुरंत तो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद करूंगा। तो एसपीजी के लोग, ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं, आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एसपीजी के लोग आएंगे, उनको दे देना। साथियों, मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है और ये आप जरूर सुनिए, मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है जिसमें डबल मुनाफा है। बताइए, आपको ये डबल मुनाफे वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा बताऊं? मैं बताऊं क्या है? बताऊं? एक है मुनाफा क्या, तो मोदी आपकी बिजली का बिल जीरो करना चाहता है, जीरो। दूसरा, मोदी आपके बिजली बेच करके आप पैसे कमा सके, होम इंडस्ट्री चला सके, ऐसे डबल मुनाफे वाली स्कीम लेकर के आया है। और ये योजना का नाम है
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू है, आप लोग ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दीजिए। और योजना क्या है, मोदी सरकार आपको घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपीज 75,000 रुपया देगी। फिर आप बिजली पैदा करेंगे, घर में जीरो बिल से उपयोग करेंगे, जो अतिरिक्त बिजली है वो बेच करके कमाई करेंगे। डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ? और अगर कोई परिवार, मिडिल क्लास का परिवार, ट्रिपल मुनाफा लेना चाहता है तो भी मैं तैयार हूं। मैं बताऊं ट्रिपल मुनाफा कैसा, डबल मुनाफे के साथ साथ ट्रिपल मुनाफा। देखिए आज आपको स्कूटी में, स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये जो बिजली पैदा होगी ना घर में, उस बिजली से आप अपना स्कूटी, स्कूटर, मोटर, उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। और आप कलकत्ते में कहीं पर भी जाना है तो मुफ्त में आपका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, पेट्रोल का बिल भी जीरो हो जाएगा। साथियों, आप लोग मुझे बोलने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए आप। साथियों, विकास के लिए भाजपा के प्रयासों के बीच टीएमसी अपने काम में बिजी है। और उसके काम क्या है, टीएमसी का काम क्या है, टीएमसी के नेताओं का काम क्या है, गोंडो गोलो जोमी दखोल, गोंडो गोल ओ जोमी दखोल, यहां माफिया राज चल रहा है। मोदी कहता है हर घर जल, मोदी क्या कहता है, हर घर जल, मोदी क्या कहता है, आप जरा बोलिए, मोदी क्या कहता है, मोदी क्या कहता है? और टीएमसी कहती है हर घर बम। मोदी कहता है हर घर जल, और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया, माताओं बहनों बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ
विश्वासघात किया है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। टीएमसी ने बंगाल के माताओं के, बंगाल के बाप के, बंगाल के मां बाप के सपने बेच दिए हैं। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है। आज देखिए इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खास सिपहसालार सारे के सारे जेल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, पूरा देश चौंक गया, इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ निकले हैं, पहाड़, रुपयों के पहाड़। इस विश्वासघात की आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे? सजा देंगे कि नहीं देंगे? कड़ी से कड़ी सजा देंगे उनको? ये सजा बराबर की देंगे क्या? टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? भाइयों और बहनों, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, ये विकसित भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए हुगली जिले के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। अब भाजपा ने आलू और प्याज किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम पूरे देश में इन सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं।